हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यम मिश्रा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और आज का जो एक क्लास होगा या टॉपिक स्पेसिफिक आपको पढ़ाया जा रहा है क्रैश कोर्स को ध्यान में रखते हुए। क्रैश कोर्स मतलब नीट 2020, जेई मेंस 2020 और आपका जो OUT का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ मैं। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में और रियल गैस के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह आइडियल गैस में गैस लॉ के ऊपर होगा। मतलब गैस लॉ बोले तो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी पढ़ना है। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के मदद से हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल गैस के बारे में, जिसके अंदर पढ़ेंगे वैंडरवाल इक्वेशन, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसके अलावा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग पहुँचते हैं आज के टॉपिक पर। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ गैस लॉ पढ़ने से पहले, एक गैस का कौन कौन से मेजरेबल प्रॉपर्टी होते हैं। तो गैस को मेजर करने के लिए हमें पांच चीज़ों पर ध्यान देना होता है भाई। पहला है वॉल्यूम ऑफ गैस, दूसरा है मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस को अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, फिर टेम्परेचर है, फिर प्रेशर है और फिर आता है डिफ्यूजन। तो फटाफट मैं रिकॉल कर देता हूँ यहाँ से, मास ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए अपन कैसे निकालते हैं, गिवन मास को अपन जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही डिफ्यूजन जो है एक टाइप का रेट फैक्टर है, मतलब टाइम के साथ यह डिफाइन किया जाता है, ठीक है, टाइम के साथ अपन डिफाइन करते हैं इसको। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, या ऐसे बोलो द रेट एट विच गैसेस डिफ्यूज डिपेंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर देन हेवियर गैस। अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाई टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, मतलब कितना टाइम में कितना गैस वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ उसको अपन बोलेंगे रेट। रेट हमेशा टाइम के साथ ही डिफाइन होता है भाई। तो एक टाइप का रेट क्या है, काइनेटिक फैक्टर हो गया, ठीक है। और डिफ्यूजन का जो यूनिट होता है वह CM क्यू पर सेकेंड या DMQ पर सेकेंड होते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कन्वर्जन प्रेशर के लिए। प्रेशर जो है वह मतलब मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैनोमीटर के टर्म में भी, ठीक है, मेजर करते हैं। कहीं कहीं आपको बैरोमीटर भी मिला होगा। और मैनोमीटर में मेनली दो टाइप के मैनोमीटर यूज करते हैं, ओपन एंड मैनोमीटर और क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। और हम जानते हैं कि एक ATM में 76 CM Hg होता है और 760 mmHg होता है, जिसको अपन 760 torr भी बोल सकते हैं। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म में बोलना हो तो 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 ATM होता है, और 1 bar के लिए 75 CMHg और 750 mmHg और 750 torr, और राउंड ऑफ में बोलो तो 1 bar के लिए मतलब 100 kPa होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली अपन टॉपिक पे और आते हैं हम लोग गैस लॉ के ऊपर, ठीक है। गैस लॉ में देखो, गैस लॉ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको बॉयल्स लॉ के बारे में। यहाँ पे जो भी गैस लॉ होगा इन सब में, ये जितने भी गैस लॉ है, यह आपको एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करेगा प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर में। पहला बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को देने वाले का नाम रॉबर्ट बॉयल्स था, 1662 में दिए थे। उनका कहना था कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। इसको अपन लिख सकते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड मास। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K
के इंटू वन वाई भी, या ऐसे बोलो कि पी इक्वल टू के वाई भी, ओके। और के को डिफाइन करने जाएंगे तो पी भी इक्वल टू के, जहाँ के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर हमारे पास मोर देन टू गैस मॉलिक्यूल्स हैं या टू हैं, और उसको हम यहाँ पे आपको बॉयस लॉ के टर्म में एक्सप्लेन करने चाहें तो क्या बोलेंगे, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, दैट इक्वल पी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो फाइनल एक इक्वेशन निकल के आएगा हमारे पास पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। इसको ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और थोड़ा डिस्कस कर लूँ। अगर हम बात करें एट कॉन्स्टेंट मास एंड टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम जानते हैं कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उस डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ जो रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम को है, प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन को हम डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, एम बाई डी। सो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब एक फाइनल इक्वेशन निकलेगा डेंसिटी प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि डी वन बाई डी टू इक्वल टू पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन, क्योंकि प्रेशर से वॉल्यूम इन्वर्सली होता है और प्रेशर से डेंसिटी डायरेक्टली है, दैट इज इक्वल टू के, ओके। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखो आप सब कोई दिख रहे हो, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अ सैंपल ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑक्यूपाई 95 cm क्यूब अंडर अ प्रेशर ऑफ 9.962 into 10 to power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट द सेम टेम्परेचर, इट्स वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 10.13 into 10 to power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है भाई डेटा में, ठीक है, एक गैस के बारे में बताया रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी वन भी दिया है और वी वन भी दिया है, और क्या दिया है, पी टू पूछ रहा है वी टू। तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू अप्लाई करेंगे तो यह सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर होगा 93 cm क्यूब। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेडिकल का, मैं डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले थ्योरी कवर कर लें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर आते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। चार्ल्स लॉ जो है वह आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बताता है, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा और कांस्टेंट मास होगा। मास बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यह चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर, सॉरी, जो आपका वॉल्यूम है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो वी इक्वल टू के टी, ओके। और बोल सकते हैं V इक्वल टू के इन टू टी, और टी टेम्परेचर है, दो टर्म में एक्सप्लेन होता है, डिग्री सेल्सियस में और आपको यहाँ पे केल्विन में, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो कोई बात नहीं, केल्विन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 273.15 को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सो के इक्वल टू वी बाई टी, और दो या दो से ज़्यादा गैस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी वन टी वन इक्वल टू वी टू टी टू इक्वल टू वी थ्री टी थ्री, सो ऑन। फाइनल इक्वेशन वी वन टी वन इक्वल वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू इक्वल टू के, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है, सेकेंड वाला ग्राफ देखो, यह जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, यह ग्राफ को पीछे इंटरसेक्ट करेंगे ओरिजिन से पीछे, तो नेगेटिव में जाएगा और -273.15 पे यह इंटरसेक्ट करता है। इस सबको आपको मालूम ही होगा, मतलब ये ग्राफ का मीनिंग ये है कि यह लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर किसी गैस के लिए, ओके। अब इस रिलेशन को
हम लोग डेंसिटी के टर्म में भी इक्वेट कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम जो है वह डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जब हम डेंसिटी के टर्म में इसको अगर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा d1/d2 इक्वल टू t2/t1 इक्वल टू v2/v1। क्लियर, देख लो डेंसिटी जो है वॉल्यूम से इन्वर्सली होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है। तो फाइनली डेंसिटी वॉल्यूम से भी इन्वर्सली हुआ और टेम्परेचर से भी इन्वर्सली हुआ। आप जितने भी हॉट एयर बलून्स यूज करते हो ना यहाँ पे, ये सब इसी का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेलुसेक लॉ को, जिसको अपन एमेंटॉन्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको देने वाले का नाम था जोसेफ गेलुसेक। क्लियर, इस और इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने वाला बात है, यह चार्ल्स लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसीलिए कहीं कहीं आपको चार्ल्स गेलुसेक लॉ भी मिलेगा। तो तीन नाम हो गया, गेलुसेक लॉ या एमेंटॉन्स लॉ या चार्ल्स गेलुसेक लॉ। ओके, चार्ल्स गेलुसेक लॉ या मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, यह बोलता है इट स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे अपन, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड मास। सो पी इक्वल टू के इंटू टी, सो पी इक्वल टू के इंटू टी। टी कितने है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। ओके, फाइनल पी बाई टी इक्वल टू के। अगर हम दो या दो से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या होगा, P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इक्वल टू P3/T3। फाइनल इक्वेशन बनेगा यहाँ से P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इक्वल टू के। इसका ग्राफ हम बनाने जाएं यहाँ पे, ठीक है। तो एक हाँ, अब यहाँ फिक्स था हमारे पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो इसको बोलते हैं अपन आइसोकोरिक। आपके सामने ग्राफ दिख रहा है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ पे एक बहुत मस्त क्वेश्चन था, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आया हुआ है, पहले का क्वेश्चन है, थोड़ा चाह रहा हूँ कि आपके साथ मैं इसको डिस्कस करूँ, ठीक है।